ये स्मार्टफोन आपके बीच आ गया और मिड रेंज में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। खास से बता दूं, पावरफुल प्रोसेसर, अच्छा गेमिंग कर सकते हैं, अच्छा कैमरा क्वालिटी, साथ ही बता दूं इसमें सोनी IMX 920 सेंसर के साथ साथ वेपर कूलिंग चेंबर इसमें दिया गया है। इस स्मार्टफोन को आप चाहे तो फ्री में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं या कैसे मिलेगा आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं, इस स्मार्टफोन में मिड रेंज में बहुत ही खास फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही बता दूं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव बात करते हैं, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 24 NM का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप गेमिंग नेक्स्ट लेवल का कर सकते हैं। साथ ही बता दूं इसमें आपको वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी दिया है, जिससे आप फोन में गेम या मल्टीटास्किंग करते वक्त आपको हीटिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बता दूं इसके जो ग्राफिक है वो भी नेक्स्ट लेवल है गेम खेलते वक्त। साथ ही बता दूं एंड्रॉइड का जो वर्जन है लेटेस्ट आपको एंड्रॉइड 14 आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले स्मार्टफोन में, जो कि बहुत सारे मिड रेंज स्मार्टफोन में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। इसमें आप 4K रिकॉर्डिंग के साथ साथ OIS मिल जाता है, जिससे कैम क्वालिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। साथ ही बता दूं कैमरा क्वालिटी को 4 चांद लगाने के लिए यहां पर सोनी का IMX 920 सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, और अभी का सबसे ज्यादा ट्रेंड है कैमरे में 4K रिकॉर्डिंग, तो यहां पर आपको 4K भी मिल जाएगा। साथ ही बता दूं बैक साइड आपको डुअल कैमरा आपको मिलता है 50+8। बैक साइड का जो कैमरा क्वालिटी है अच्छा आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसका डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर के। यहां पर AMOLED स्क्रीन 6.7 इंच का आपको देखने को मिल जाता है। PPI की बात करें तो 453 PPI देखने को मिल जाता है। सबसे मजेदार वाली बात क्या है और सबसे हटके क्या है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, जबकि इस रेंज में 120Hz मिलता है, तो ये प्लस पॉइंट है। साथ ही अब बात करते हैं बैटरी बैकअप को लेकर के। यहां पर 5160mAh का बैटरी मिलता है, जिससे बैकअप की बात करें तो बहुत अच्छा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एंड चार्जिंग स्पीड भी आपको अच्छा मिलता है, 120Hz का वॉट का रिफ्रेश रेट यहाँ चार्जर मिल जाता है। अब बात करते हैं चार्जर के अलावा यहाँ पर ओवरऑल फोन का, तो इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा डिजाइन के साथ साथ अच्छा कैम क्वालिटी तो मिल ही रहा है, लेकिन ये जो फोन है मार्केट में कितने प्राइस में आ रहा है ये आपको बता दूं 34,000 के आसपास में आ रहा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑफर है, जैसे कि बैंक ऑफर यानी HDFC का क्रेडिट कार्ड है, आपको 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड एक्सचेंज बोनस के रूप में 4000 भी मिल जाएगा। बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंत में कि फ्री में भी ले सकते हैं वो कैसे, सो लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले बात करते हैं इस फोन का बैक साइड का डिजाइन का, इको लेदर फिनिश है, जिससे आप फिंगरप्रिंट वगैरह का निशानी नहीं आएगा। और बात करते हैं इसका डीमेरिट या नेगेटिव पॉइंट्स का, जो कि कोई नहीं बात करता। सबसे पहले तो बता दूं इसमें कार्ड स्लॉट नहीं है, डुअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा। दूसरा, इसमें रेडियो नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही बता दूं इसमें कलर ऑप्शन की बात करें तो लिमिटेड कलर ऑप्शन है। साथ ही अभी सबसे ज्यादा डिमांड है IP रेटिंग का, यानी वाटरप्रूफ का, तो ये फोन आपको वाटरप्रूफ देखने को नहीं मिलेगा। एंड वीडियो प्लेबैक करेंगे उस टाइम HDR भी नहीं होगा। और एक सबसे बड़ा दिक्कत लोगों के बीच में ये होगा, लोग का मेजर कंसर्न होगा कि मात्र 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट यहां पर देखने को मिल रहा है इस वाले स्मार्टफोन में। अब बात करते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन कौन सा है, तो बता दो ये स्मार्टफोन IQ न्यू 9 प्रो है, जो मार्केट में 24,000 नहीं बल्कि 34,000 रुपए में आ रहा है। मिड रेंज स्मार्टफोन है ये, पर इसको आप फ्री में ले सकते हैं। कैसे, अब बताता हूं आपको। इस फोन को लेने के लिए अगर 2-3 जगह से ले सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर अमेजन वगैरह से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अमेजन पे बैलेंस से इस फोन को परचेज करते हैं तो आपको एक मौका मिलेगा स्पिन एंड विन करने का, यानी एक गेम घुमाने का। जैसे ही आप टच करते हैं उस टच करने से आप 40,000 तक जीत सकते हैं। तो हो गया ही ना भाई कि अगर 40,000 आपने जीत लिया तो ये फोन फ्री में हो जाएगा, अगर 35,000 भी जीत जाते हैं तो फ्री में हो जाएगा, या 33,000 भी जीत जाते हैं तो फ्री में हो जाता है ये फोन। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये मिड रेंज में। आपके बारे में इस फोन का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो के बारे में भी कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।